शिकल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कलयुग का अंत, केवल तीन शब्द, लेकिन इन तीन शब्दों में आने वाले समय का पूरा ब्यौरा छिपा हुआ है, पूरा रहस्य छिपा हुआ है कि कलयुग के अंत में किस प्रकार से कैसे क्या होगा। उसका भयावह दृश्य अब दिखना स्टार्ट हो चुका है। भगवान भी वास्तव में इंसानों को दिखलाना चाहते हैं कलयुग का अंत, ये तीन शब्द कितनी बड़ी आपदा धरती वासियों के लिए लेकर आने वाला समय होगा। लेकिन आज का इंसान सब कुछ देखते हुए भी अगर अनदेखी कर रहा है तो नज़र हटी और दुर्घटना घटी, ये कहावत बिल्कुल 100% सत्य होती हुई दिखलाई पड़ रही है। तीन डेट मैंने आप लोगों को दिया था, 17, 18 एवं 2 अक्टूबर। साथ ही ये भी कहा था कि ग्रहण लगने के एक वीक पहले या 15 दिन पहले से और ग्रहण लगने के एक महीने तक या 15 दिनों तक उसका भयंकर असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए 17 सितंबर 2024 को अचानक से वो धमाका हुआ लेबनान में कि लोगों में अफरा तफरी मच गई, हज़ारों की संख्या में लोग घायल हो गए, कुछ लोगों की मौतें भी हुई, लोग डर गए। लेकिन अगले ही दिन काल बनकर मोबाइल पहुंच गया लोगों के पास। जी हाँ, वो मोबाइल जिसके बिना आज इंसान अपने जीवन को अधूरा मान बैठा है, क्योंकि मोबाइल में सबसे पहले सुबह उठते ही इंसान मैसेज चेक करता है। लेकिन यही मोबाइल अगर इंसान के लिए काल बन जाए, 55 लाख इंसान के लिए किस प्रकार मोबाइल बना यमराज, आज उसकी बात मैं करूंगी। और वो भी 18 सितंबर 2024 के दिन, जिस दिन लगा ग्रहण, पहला ही दिन ग्रहण का, और उसने दिखाया अपना विध्वंसक प्रहार, किस प्रकार होता है ग्रहण का असर। 55 लाख लोग इस कदर डरे मोबाइल हाथ में लेने से। दरअसल हुआ ये कि लेबनान में मंगलवार को ही विध्वंसक हमला हुआ, पेजर अटैक। लेकिन इसके पश्चात अगेन 18 सितंबर 2024 को जो एक अटैक हुआ, वो मोबाइल अटैक, मोबाइल फटने लगे अचानक से घरों में, दफ्तरों में, लोगों के हाथों में। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितने थे, लैपटॉप, कंप्यूटर, उन सब में ब्लास्ट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ तक कि सोलार सिस्टम, उसमें भी ब्लास्ट हो गया, उसके भी जो इक्विपमेंट थे उसमें भी ब्लास्ट हो गया। यानी हर तरफ जब मोबाइल फटने लगे, अब लोग इतना डर गए, 55 लाख लेबनान के वहाँ के नागरिक इतना अधिक डरे कि मोबाइल छूने में वो डरने लगे कि मोबाइल जितना दूर रखो उतना अच्छा। ऐसा नहीं हो कि मोबाइल मैंने टच किया, किसी का कॉल रिसीव किया या किसी को करने गए और बस्ट हो गया तो क्या करेंगे। अफरा तफरी मची, 20 लोगों की मौतें हो गई, 450 लोग सीरियसली इंजर्ड हो गए, ये काम हो गया। इसके अलावा फिर से बुधवार को ही एक और घटना, और ये घटना इज़राइल में हुई। लेबनान की मैंने बात कर ली, अब सुनिए इज़राइल में। इज़राइल में भी बुधवार की ही रात को अचानक से लोग बेहद डरे, कारण था साइबर अटैक। और ये शंका जताई जा रही है कि ये साइबर अटैक ईरान की तरफ से किया गया है। दरअसल हुआ ये कि जितने भी इज़राइली नागरिक हैं उनके फ़ोन पर एक इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज आया। क्या था डेंजर अलर्ट, इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज कि आप जहां पर भी हैं, जिस कंडीशन में भी हैं, इमीडिएटली उस जगह को छोड़ दीजिए। सारे इज़राइली नागरिक जितने थे, जैसे ही ये मैसेज धड़ल्ले से उनके पास रिसीव हुआ एट अ टाइम, सब लोग बेहद डर गए। दरअसल हुआ ये, तेल अवीव के सिक्योरिटी कोड को डीकोड कर लिया गया और हैकर्स ने उसे हैक करके एक साथ इज़राइल में
फटाफट भेज दिया मैसेज, लेकिन ये वास्तव में फिर बतलाया गया कुछ ही समय के पश्चात कि ये इज़राइल का मैसेज नहीं है, इसलिए इज़राइली नागरिकों को इज़राइल छोड़ने की, अपने घरों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, डरे ना, ये एक फेक मैसेज है, ये हैकर्स का काम है, ये ऐसा काम है जिसको साइबर अटैक हम लोग कहते हैं। तो ये हम लोगों की तरफ से नहीं है, तो इज़राइली नागरिकों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तब जाके उन लोगों को चैन मिला, वरना वहाँ पर भी भाग दौड़ अफरा तफरी मच गई थी कि अचानक से कैसे ये एक साथ इतने लोगों को मैसेज आ गए। ये दो घटना। और तीसरी घटना नवादा में, बिहार के नवादा में करीब 80 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। दलित परिवार, गरीब परिवार, इंसान अपने घरों में रहता है, सपनों का वो घर होता है, लेकिन उसी सपनों के घर को यदि आग के हवाले कर दे, वो भी बिना किसी दुश्मनी के, सीधे साधे इंसान उसमें रह रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह से आग के हवाले कर दिया, जबकि पुलिस ऑन रिकॉर्ड बोल रही है सिर्फ 10 घरों को किया गया है, जबकि वहाँ की जनता जो है वो कह रही है 80 घरों को फूंका गया है, सोचिए वहाँ पर लोगों की क्या हालत हो गई। और इस तरह से 18 सितंबर 2024 का दिन और 17 सितंबर 2024 का दिन वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दिया इन दोनों तारीखों ने, कि ग्रहण लगते ही और ग्रहण लगने के पहले ये कलयुग के अंत का भयावह दृश्य, कि कलयुग का अंत किस तरह से होगा, तो इसी तरह से होगा। अब भगवान कल की ट्रेलर के माध्यम से लोगों को दिखलाते चले जा रहे हैं। अगर 55 लाख लोग मोबाइल छूने से डरने लगे, सोचिए यही डर लोगों के मन में जब आएगा तब वो अपने अंदर परिवर्तन भी करेंगे, क्योंकि बिना डरे कुछ नहीं होने वाला। भय नहीं तो भय बिन होए न प्रीति। तो आपको अगर मन में भय नहीं है तो भगवान के प्रति आपका श्रद्धा, आपकी श्रद्धा भी नहीं जगेगी, क्योंकि आज के लोग हठी हैं, जिद्दी हैं, उनको जब कुछ दिख नहीं रहा है, तो जब ऐसी घटनाएं लोगों के सामने आ रही हैं तो लोग आज डर के साए में जी रहे हैं। अब कहां से किसके पास कौन सा साइबर अटैक पहुंचे, किसका लैपटॉप, किसका मोबाइल हैक कर लिया जाए, किसके कंप्यूटर में ऐसे चिप फिट कर दिए जाएं कि दूर बैठे कोई उनको हैक करके उसको ब्लास्ट करवा दे। अब ये सामने आने वाले आतंकवादी, इसमें बहुत सारे मारे गए, लेबनान में आतंकवादियों का जो चीफ था वो भी मारा गया, उसका बेटा भी मारा गया, और ईरानी राजदूत जिनको मैंने कहा था वो घायल हुए हैं, उनकी एक आंख की रोशनी इस हमले में चली गई। जो पेजर अटैक हुआ उसमें उनकी एक आंख की रोशनी भी चली गई। लेकिन हुआ ये सब कुछ इसलिए ताकि आने वाले समय में कलयुग के अंत का भयावह दृश्य जो होने वाला है, अब उसका ट्रेलर दिखना स्टार्ट हो गया है। तो ये सिर्फ ग्रहण के लिए बात नहीं है, वैसे भी मैंने कहा था जब 1 जनवरी 2024 का वीडियो दिया था पूरे साल के प्रेडिक्शन, उसमें मैंने कहा था कि आने वाले समय में साइबर अटैक बढ़ेंगे, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी कि लोग डरेंगे। टेक्नोलॉजी का आज ज़माना है और लोग टेक्नोलॉजी के सहारे ही आगे बढ़ रहे हैं। बिन मोबाइल के, बिन लैपटॉप के आजकल चलता ही नहीं हमारा गुजारा, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। लेकिन जब हम जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के तहत, तो हम वैदिक काल की ओर जा रहे हैं और सतयुग में ये सब डिवाइस नहीं रहता है। लोग नेचुरल वे में जीते हैं और हर चीज़ वहाँ पर नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल लाइफ वहाँ पर होती ही नहीं है, ना ही भाग दौड़। ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, ईश्वर से जुड़े हुए लोग होते हैं और धरती माँ से उन्हें बहुत प्यार होता है। तो ये सब चीज़ें अब केवल सपना मात्र रह गई हैं। तो आने वाला समय कितना भयावह, ऑलरेडी जल प्रलय किस प्रकार होगा उसका भी दृश्य दिखला दिया, जंगलों में आग लगी हुई है तो आग की प्रलय कैसी होगी उसका भी दृश्य दिखला दिया, और डर कैसा होगा, ये जो बस्ट होगा, साइबर अटैक होगा तो लोगों में कितनी अधिक भय, कितना अधिक भय उत्पन्न होगा, ये सब कुछ अब धीरे धीरे दिखलाई पड़ता चला जा रहा है। अभी भी टाइम खतरे का बाकी है, सेंसिटिव टाइम
अभी स्टार्ट हुआ है, अभी और भी आगे खतरे आने बाकी हैं। इसलिए रहिए सावधान। मेडिटेशन और स्पिरिचुअल, इन दोनों को, स्पिरिचुअलिटी को, इन दोनों चीज़ों को अपने दिल में, अपने जीवन में जगह दीजिए। बिना इसके इंसान का गुजारा आज के समय में हो ही नहीं सकता। तो अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर हमेशा रखिए ध्यान। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।